नमस्कार। बेईमानी, झूठ और धोखाधड़ी के इस युग में देश दुनिया से जैसे ईमानदारी लुप्त सी हो गई है, वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा ईमानदारी की मिसाल कायम की जा रही है। लोगों को ईमानदार बनने का संदेश दिया जा रहा है। इसी से संबंधित देखिए हमारी यह पूरी रिपोर्ट। ये खबर महाराष्ट्र के औरंगाबाद की है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी संतोष दास ने मानवता का एक नेक संदेश दिया। संत जी के अनुयायी अपने नैतिक मूल्यों तथा अच्छे संस्कारों के लिए जाने जाते हैं। खबर औरंगाबाद के गाढ़े पीपल गांव की है। भक्त संतोष दास ने एक कपास व्यापारी को 3 क्विंटल कपास बेची, 21,400 रूपए का बिल बना। दुकानदार ने 200 रूपए के नोट की 2 गड्डियां तथा 1400 रूपए खुले टेबल पर रखे और कहा, इसे गिन लीजिए। भक्त संतोष दास ने कहा, नोटों की गड्डी बैंक की है, इसमें नोट कम नहीं होते। संतोष दास व्यापारी से पैसे लेकर अपने घर आ गए। घर आने के बाद उन्हें ध्यान आया, कपास व्यापारी ने उन्हें गलती से 200 की एक गड्डी की जगह 2 गड्डी दे दी है, यानी कुल मिलाकर 20,000 रूपए अधिक दे दिए हैं। भक्त संतोष दास ने तुरंत फोन कर व्यापारी को मिलने के लिए कहा। मुलाकात होते ही उनके सामने 200 की एक एक्स्ट्रा गड्डी रख दी। दुकानदार ने कहा, क्या हुआ भाई, क्या पैसे कम है? भक्त संतोष दास ने बताया, आपने 200 की एक गड्डी ज्यादा दे दी है। हम संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त हैं, हम किसी से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं लेते। ये सुनकर व्यापारी दुकानदार अत्यधिक प्रसन्न हुआ और कहा, ऐसी ईमानदारी आजकल कहीं देखने को नहीं मिलती। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मैंने अधिक रुपए दे दिए हैं। मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने भी इस सराहनीय कार्य की तारीफ की। भक्त संतोष दास ने बताया कि ईमानदारी की ये सीख उन्हें अपने गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा मिली है। सदगुरुदेव अपने शिष्यों को चोरी, जारी, ठगी, रिश्वत, मिलावट आदि बुराइयों से बचाते हैं। संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्य को एक नेक मानव बनने की प्रेरणा देते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी इस घोर कलयुग में मानवता को फिर से कायम करने के लिए अपने शिष्यों को नैतिकता का महत्व समझा रहे हैं। अपनी नैतिक शिक्षाओं के आधार पर समाज में अच्छे विचारों को फैला रहे हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।